सो हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग। अरे क्या कर रहा है, रोक लेना यार, भाई दूर से निकल, गाड़ी निकल जाएगी। सो हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और सामने खड़ी है न्यू टोयोटा रूमियन, या आप इसे कह सकते हो अर्टिका की जुड़वा बहन, क्योंकि ये सेम डिट्टो अर्टिका का भी इन्होंने कर दिया काम। तो चलो शुरू करते हैं। फ्रंट में है, आप इसकी हेडलाइट्स चेक कर लो। सबसे पहले इस नियो ड्राइव वी मॉडल के अंदर आपको प्रोजेक्टर लाइट आपको मिल जाती है, जो कि हैलोजन आपकी रहेगी, नॉर्मल येलो कलर की लाइट। और फ्रंट में यहाँ पे बड़ी सी ग्रिल जो आपकी सेम अर्टिका में आती है, वही वाली है। टोयोटा का लोगो आपको मिल जाएगा, सेम अर्टिका है, यहाँ पर आप चेक कर लो। एलॉयज के साइज़ की बात करोगे तो 15 इंचज के यहाँ पर आपके रहने वाले हैं ड्यूल टोन में, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ऑटो फोल्डेबल फंक्शन के साथ आपको यहाँ पर ORBs मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर के साथ। और यहाँ पर दोनों डोर्स पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है मारुति की तरह। यहाँ पर ये भी पूरा कॉपी किया गया है। और आप यहाँ ये चेक करो पूरा, ये देखो भाई वाइड कितना ज़्यादा खुलता है ये दरवाज़ा पीछे वाला, और ये बिल्कुल सीधा खुलता है। तो मतलब वही है यार, समझ लो यार, बस सेम सी गाड़ी है पर रूमियन नाम रख दिया है। पता नहीं टोयोटा क्या कर रहा है, बट ये है कि यह मारुति बहुत सपोर्ट कर रही है भाई टोयोटा को, और काफ़ी अच्छी बात है कर रही है, नहीं तो इसका कब का सफाया हो जाता है। तो आप यहाँ चेक कर लो, नियो ड्राइव वी ये वेरियंट रहने वाला है आपका। रूम यानी बैजिंग, 4 पार्किंग सेंसर, और ये है आपका कैमरे की प्लेसमेंट, अगर आप देख पा रहे हो, ये देख लो भाई कैमरा। तो सबसे पहले एक बार इसकी आप बूट स्पेस चेक कर लो, पर डिफोगर और वाइपर आपको इसमें मिल जाएगा इस वेरियंट के अंदर। और स्पेस चेक करो आप इसकी बूट की, सबसे पहले 209 लीटर की यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाएगी। और थर्ड रो का जो स्पेस है वो इतना खास नहीं है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि अर्टिका के अंदर भी नहीं था, तो इसके अंदर भी नहीं मिलेगा। कप होल्डर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, चार्जिंग का सॉकेट मिल जाएगा, बट ये है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, ठीक है, काम चलाने के लिए आपको थर्ड रो दे दी गई है। और पेट्रोल इंजन में आपकी ये गाड़ी रहने वाली है, डीजल तो आएगा नहीं, तो पावरफुल वगैरह भी ये चला के पता लगेगा इंजन कैसा है। सो आप सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लो रियर डोर्स, यहाँ से आप अपनी सीट को ऐसे फोल्ड कर सकते हो और घूमती हुई पीछे से फोल्ड हो जाएगी एकदम से। और यहाँ पर स्पेस चेक कर लो, 5'11" मेरी हाइट है, और स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा या फिर ऐसा भी नहीं कि बहुत कम। इंटीरियर और बढ़िया हो सकता था, आप यहाँ पर इंटीरियर देख लो, सेम अर्टिकल कॉपी क्यों कर दी भाई। क्वालिटी वाइज भी भाई हर एक चीज़ की क्वालिटी डिट्टो है, एक भी चीज़ टोयोटा ने अपनी तरफ से नहीं लगाया भाई कि हाँ ये चीज़ थोड़ी और बेटर कर देते हैं यार, इतना तो कर सकते हैं भाई। चलो ठीक है, तुम रीबैच्ड वर्जन अगर निकाल रहे हो किसी भी व्हीकल का, तो थोड़ा और इम्प्रूव कर दो यार, उसे क्या हो गया। पर नहीं, वही 12 वोल्ट का सॉकेट देना है पीछे भी, तो दे दो भाई। 4 स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, साउंड क्वालिटी सुननी है तो आई बटन में जाकर ज़रूर सुन लेना ऊपर जाके। सो यहाँ पर पैसिव एंट्री के लिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं दोनों डोर्स पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आप ये चेक करो, वुडन ट्रीटमेंट हल्का सा दिया गया है फ्रंट डोर्स पर, और ये आपको लॉक और पावर विंडो से कंट्रोल मिल जाएंगे। सीट की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो मैन्युअली, और यहाँ पर आप ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर एंड हेडलाइट लैंप वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ से चेक कर लो, सीट्स ऊपर नीचे हो जाएगी बढ़िया से, तो जितना ऊपर करना कर लेना भाई अपने हिसाब से। इंजन स्टार्ट सो बटन आपको मिल जाएगा, वुडन ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर पूरे डैशबोर्ड में मिलेगा, और हार्ड प्लास्टिक है, हर जगह हार्ड प्लास्टिक है, कहीं पर भी फैब्रिक या फिर लेदर यूज़ नहीं है। सो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आप यहाँ चेक कर लो, वो भी नहीं बदला भाई, वो भी डिट्टो सेम है, इतने भी क्या हो गया। चाबी भी नहीं बदली भाई, चाबी भी देखो सेम है, बस ये लोगो चेंज करा इन्होंने और कुछ नहीं किया, साला दुख तो इसी चीज़ का है। स्टेयरिंग पे भी ये लकड़ सी बस वाली सेम कर दी यार। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी भाई सेम है डिट्टो, कोई फ़र्क नहीं है, ये देख लो वही जो उसमें आता है वही इसमें आपको दे दिया जाएगा, जो कि टोयोटा ने भाई कुछ नहीं किया भाई, मेरे को तो दुख इस चीज़ का हो रहा है, थोड़ा इम्प्रूव तो कर देते यार। अब इतना तो यार एक्सपेक्ट कर ही सकता है इंसान कि चलो कोई गाड़ी आ रही है रूमियन नाम से आ रही है अलग नाम से, तो कुछ नया देखने को मिलेगा, पर नहीं, वही सेम चीज़ें आपको मिलेंगी। ये आपका गेयरबॉक्स देख लो, और यहाँ पर आपको थोड़ा एसी वेंट दे दिए हैं कप होल्डर के अंदर, इसका कोई काम धाम होता नहीं है भाई, पर फिर भी दे दिए हैं। थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सामान वगैरह रख सकते हो। और बीच में यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा छोटा सा, जो कि स्लाइड नहीं हो रहा है स्लाइड हो रहा है भाई। और हैंड ब्रेक आपका मैनुअल रहेगा। डैशबोर्ड में यहाँ पे आपका चेक कर लो, ग्लव बॉक्स वगैरह, डिसेंट अमाउंट आपको स्पेस मिल जाएगा उसके अंदर भी। तो भाई क्वालिटी वाइज कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वही सेम डिट्टो है, ट्विटर आपको मिल जाएंगे दो। और यहाँ पर आपका जो IRVM है वो मैनुअल रहेगा। वैनिटी मिरर आपको मिल जाएगा पैसेंजर साइड पर,
और इस तरफ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा जिसका कोई काम धाम है नहीं, जेब में रखते हैं फिर नीचे फेंकते हैं सब। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो मैंने आपको दिखा दिया है, अब एक बार आपको इसका टच स्क्रीन और दिखा देता हूँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम की मतलब कितनी क्वालिटी है, कैसा टच रिस्पॉन्स है, वही आपको मारुति वाला सेम मिलेगा, कोई इसकी चेंजेस आपको कुछ भी नहीं मिलना भाई, वही है सेम टच रिस्पॉन्स ठीक ठाक है, बट एनिमेशन वगैरह वही है सेम सोबर सी। सो यहाँ पे आपको पूरा बोनेट वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बस गाड़ी में बैठ के चला लो। सो इसको बंद करते हैं गाड़ी को और बाहर चलते हैं। यही एक छोटा सा रिव्यू था इस गाड़ी के ऊपर, छोटा तो नहीं था, काफ़ी हो गया, पर आपको एक बार इसका इंजन और दिखाता हूँ कहाँ से खुलेगा भाई इसका, वो यार दिख ही नहीं रहा, आइए रहा भाई मिल गया। चलो अब यहाँ से एक बार आपको इसका इंजन और दिखा देता हूँ, कहीं फिर बोलोगे यार इंजन तो दिखा देते यार इंजन के लिए भी, चलो दिखा देते इंजन दिखा देता हूँ, क्योंकि इंजन आपको इसमें पेट्रोल इंजन मिलेगा जैसे कि मैंने बताया, डीजल यहाँ पर बंद हो चुका है। सो ये है भाई आपका इंजन, के सीरीज़ का यहाँ पे पेट्रोल इंजन मिलेगा आपको 1462 cc का, 101 bhp निकाल के देगा 136 Nm ऑफ टॉर्क के साथ। तो इसको अगर तो भाई बंद तो ठीक है। ये थी भाई आपकी टोयोटा की रूमियन या फिर मारुति की अर्टिगा, क्योंकि सेम सी गाड़ी है भाई। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और वीडियो से तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।